स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, नई इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार होगा? ए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, बी NPCI भारत बिल पे लिमिटेड सही, सी भारतीय रिजर्व बैंक RBI, डी भुगतान एग्रीगेटर्स PA। आंसर ए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI 2024 में इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली लॉन्च करेगा। ये व्यापारियों के लिए पैसों के तुरंत निपटान की सुविधा देगा। अगला प्रश्न, पानी के नीचे मेट्रो प्रणाली में कौन सा स्टेशन सबसे गहरा है? ए एस्प्लेनेड, बी हावड़ा मैदान, सी हावड़ा मेट्रो स्टेशन, डी साल्ट लेक सेक्टर V। आंसर सी हावड़ा मेट्रो स्टेशन। एक्सप्लेनेशन, कोलकाता में 6 मार्च को भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन हुआ। मेट्रो रेलवे कोलकाता के रेक नंबर MR 612 ने एस्प्लेनेड से हुगली नदी के नीचे हावड़ा मैदान तक की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। हुगली नदी के नीचे स्थित हावड़ा मेट्रो स्टेशन देश का सबसे गहरा स्टेशन है, जिसकी सुरंगें जलस्तर से 32 मीटर नीचे तक फैली हुई है। अगला प्रश्न, हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ए आसिफ अली जादारी, बी शहबाज शरीफ, सी इमरान खान, डी नवाज शरीफ। आंसर बी शहबाज शरीफ। एक्सप्लेनेशन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के नेता शहबाज शरीफ ने आज पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वर्ष 2022 के बाद श्री शरीफ दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। रविवार को नेशनल असेंबली में 201 वोट हासिल करने के बाद शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी उमर अयूब खान को हराया, जिन्हें PTI का समर्थन प्राप्त था। अगला प्रश्न, एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? ए देहरादून, बी ऋषिकेश, सी श्रीनगर, डी शिमला। आंसर डी शिमला। एक्सप्लेनेशन, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू शिमला में बसंतपुर सुन्नी के निकट सतलुज नदी पर 4 मार्च से 9 मार्च 2024 तक आयोजित होने वाली एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस चैंपियनशिप में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान और इंडोनेशिया की 20 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमें भाग ले रही हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? ए झारखंड, बी तमिलनाडु, सी मेघालय, डी बिहार। आंसर ए झारखंड। एक्सप्लेनेशन, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली विधवा को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। हाल ही में झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था।